नमस्कार साथियों, साथियों तकरीबन 3 महीनों में मोटिवेशन बनाने का मन हो गया। तो साथियों क्या है कि आपको आज मैं सफलता के बारे में, आपकी परीक्षाओं के बारे में सब कुछ बताऊंगा। माफी चाहूंगा थोड़ा सा शोर शराबा यहाँ मिलेगा क्योंकि मैं मार्केट में हूँ, कोरियर पर बैठा हूँ, ग्राहक आते जाते रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको शोर शराबा सुनने को मिलेगा। ये मोटिवेशन कोई मैंने मन से नहीं लिखा है, नेट से लिया है, बट उसे समझाने का तरीका था वो, इसलिए आपको वीडियो बना रहा हूँ। साथियों दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए? सोचा है? बहुत कम लोग सोचते हो। इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है, एम है, या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर पटक दिए गए आप? यह बातें तो सत्य है, राइट है, कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? एम के बारे में कुछ सोचा आपने? बहुत कम लोग सोचते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करना है? यदि आप जानना चाहते हैं तो आइए हमारे शब्दों में के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ देखिए, इस लाइफ में, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार, राइट, के साथ पैदा होता है, और वह है सफलता प्राप्त करना, अचीव सक्सेस। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं सरदार जी, प्लीज सरदार जी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, पहले समझ लेते मैंने आपको। जी हाँ, हम सभी इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने ही आए हैं, और सफलता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, हमारा एम है, और सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हमारा राइट है, और सफलता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, मतलब ड्यूटी है ना। लेकिन अब आप यह सोचेंगे कि किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल जाए या फिर मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? तो कोई मंत्र नहीं है ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है दोस्तों। सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, वह मंजिल नहीं है सफलता। और अपनी मर्जी, साथियों क्षमा चाहूंगा, बीच में कस्टमर आ गए थे तो 10 मिनट के लिए स्टॉप कर दिया था मैंने वीडियो को। प्लीज शांति, प्लीज साइलेंट, प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि दोस्तों सफलता वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं कि और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वह मंजिल है, वह टारगेट है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ना? हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। भावसार जी, मैं आपको आउट कर दूंगा टीम से, अब अगर एक भी शब्द लिखना है, हमें सुखद अनुभव होता है। सच है दोस्तों साथियों कि हमारी मंजिल, मतलब गोल, हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद, हैप्पीनेस का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं, बल्कि खुद चुनिए, स्वयं सेलेक्ट करिए आप, है ना। फिर चाहे कोई भी कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे, तब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको,
आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो यहां से नहीं बनाऊंगा कभी भी, है ना। उसके बाद दोस्तों एक बार केवल एक बार अपनी मनपसंद मंजिल फेवरेट गोल की ओर कदम बढ़ा कर तो देखो आप, एक बार आप अगर एक बार देखोगे ना तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपकी लाइफ के लिए। एक बार अपने दिल की बात को सुनकर तो देखिए आप क्या कहता है आपका दिल। शायद आपका दिल गाना गाने को कहता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। शायद आपका मन फुटबॉल खेलने को कहता हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के कहने पर शतरंज खेल रहे हैं। और जब आप अपने मनपसंद कार्य मतलब फेवरेट वर्क को नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी आप बताओ? मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई, बिना मन की सफलता मतलब ठीक है हमारा मन में जो नहीं था, जो था उसे वो नहीं मिला पोस्ट, और दूसरी पोस्ट मिली, कोई दूसरी जॉब मिली, तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर, अपने मन का सागर उसमें गोता लगाओ यारो, गोता लगाओ मन के सागर में गोता लगाओ, और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा डिजायर को और अपने सपने ड्रीम को अपने मन के आईने के सामने रख कर तो देखो, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता साथी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता और न ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहां सफलता सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है, दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको तो वह रास्ता चुनना है जो आपको आपकी मनपसंद मंजिल की ओर ले जाए। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप इस दुनिया, इस वर्ल्ड, इस संसार में आए हो। कमल की बात करते हैं, कमल एक नाम है लड़की का, उस कमल के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा तो बिगड़ गया है, पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहता है, लैपटॉप से ही शादी करा दो इसकी। लेकिन क्या है, आप लोग जानते नहीं है कि बहुत से लोग मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लाखों रुपए हर महीने कमा रहे हैं, हर महीने। बिल्कुल राइट है, सही है। और अगर आपका मन भी ऐसी चीजों में लगता है तो आप इसे अपना करियर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर के पिता उसे सरकारी नौकरी करने को कहते हैं तो आज वह इतना नाम और पैसा कमा पाता है? शायद नहीं। वह आज सफलता के जिस शिखर पर है उसका एक ही कारण, उसने वह किया जो खुद करना चाहता था, स्वयं करना चाहता था। उसे अपने मनपसंद कार्यों को अपना कैरियर चुना, उसने अपने मनपसंद कार्यों को अपना कैरियर चुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो क्या वह आज भारत का गौरव कहा जाता? सचिन तेंदुलकर को भारत का गौरव कहते हैं, कहा जाता सचिन तेंदुलकर को? नहीं कहा जाता। क्या उसे भारत रत्न मिल पाता? नहीं मिल पाता, शायद नहीं। अतः यदि सफलता को प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर, और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए। आप अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, न कि दूसरों के थोपे गए सपनों की हकीकत बनाने की कोशिश करो। दूसरों के सपने की मत चलो, अपने खुद को। क्या आप जानते हैं एक सफल व एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता होती है, और क्या सबसे बड़ी असमानता होती है? बताता हूं दोनों के बारे में। दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है, असफल और सफल व्यक्ति में, कि दोनों के सपने देखते हैं, दोनों ही सपने देखते हैं, दोनों ही। लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति को खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है सफल व्यक्ति, जबकि एक असफल व्यक्ति तो खुद के सपनों की हकीकत में बदलने के दूसरों के द्वारा, असफल व्यक्ति दूसरों के द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। अतः दोस्तों यह बात समझ लीजिए, अपने मनपसंद सपनों
फेवरेट ड्रीम को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सक्सेस हासिल होगी, सफलता प्राप्त होती है और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो पाएगा कि इस दुनिया में आए हैं। अपने जीवन के उद्देश्य द प्रपोज ऑफ लाइफ को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त करो। एक शायरी है, हजारों लोग आए और हजारों लोग इस दुनिया से, हजारों लोग आए और हजारों लोग गए इस दुनिया से, कुछ अपना नाम अमर कर गए, कुछ खाली हाथ चले। दोस्तों यह स्पीच जो है मैंने नेट से ली थी, ताकि मेरे मन से बनाई मैंने। अच्छा, कुछ मिस्टेक आपको कुछ डिस्टर्ब हो रहा होगा, मैं क्षमा चाहूँगा। फिर से इसे अगर आप अच्छा लगे तो बताइए, मैं रूम में से घर पर जाकर कल इसे दिन में अच्छे से बना दूंगा शांति से। कुछ कुछ बातें हैं बताना चाहता था, पूरी हो गई। धन्यवाद आपको सभी को। मेरा नाम आपको तो पता होगा, पुनीत राठौर। मेरा व्हाट्सएप नंबर अकेडमी ज्वाइन करने के लिए 777-308-990 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप कॉल करें या फिर सिंपल कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें।